राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? सामने से भी तो मार सकते थे। राम जी ने बाली को छिप करके इसलिए मारा क्योंकि राम जी ने सुग्रीव को वचन दिया कि हे सुग्रीव, मैं बाली को सुन, सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण। राम जी ने सुग्रीव को वचन दिया कि मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा। अच्छा, राम जी बाली के सामने आ जाते और कहीं बाली राम जी की शरण में आ जाता तो शरण में आए हुए को छोड़ना पड़ता। राम जी की दूसरी प्रतिज्ञा है कि जो मेरे शरण में आएगा, शरणागत कहूं जे तही हित अनहित अनुमान ते नर पावर पाप मैं ते नहीं बिलोकत हान, जो शरण में आएगा उसे मैं छोड़ दूंगा। यदि बाली राम जी की शरण में आ जाता और राम जी उसे छोड़ देते तो सुग्रीव क्या कहता कि आपने मुझे वादा किया कि मैं बाली को मारूंगा और आपने बाली से दोस्ती कर ली। सुग्रीव को क्या लगता कि राम जी ने मुझे धोखा दे दिया। एक बात बताओ, यदि राम जी बाली को ना मारते, यदि राम जी सामने खड़े होकर मारते और बाली शरण में आ जाता और आपकी कोई शरण में आ जाए तो क्या उसे मारना सही है? आतंकवादी हमारे सेना की शरण में आ जाते हैं तो उसे मारना नहीं होता, हाँ या ना? यदि बाली शरण में आ जाता और राम जी उसे छोड़ देते तो सुग्रीव को क्या लगता कि आपने जो मेरे से प्रॉमिस किया बाली को मारने का वो आपने नहीं निभाया। राम जी झूठे पड़ जाते कि नहीं? मित्र की नजर में झूठे पड़ जाते, और मित्रता सबसे बड़ी है, मित्रता कलंकित ना हो जाए। इसलिए राम जी ने कहा, मित्र लोग मुझ पर उंगलियां उठाएं तो उठाते रहें, लोग मुझ पर उंगलियां उठाएं तो उठाते रहें, लेकिन मेरी मित्रता पर उंगलियां ना उठाएं। इसलिए राम जी ने बाली को छिप करके मारा, छिप करके मार दिया। समस्या थी ना, सामने से मारते तो शरण में, इसलिए छिपके मारा। और रावण जैसा ही काम बाली ने किया, बाली ने सुग्रीव की पत्नी को हर लिया। तो सुनो, बाली को देखकर राम जी ने कहा कि अनुज बधु भगनी सुतनारी सुन सट कन्या समय चारी नहीं को दृष्टि भी लोके जोई ताही बधे कछु पाप न होई, तुम जैसों को मार देना ही धर्म है, इसलिए मार दिया। अच्छा, बाली को मारकर राम जी रावण सीता माँ का हरण किया। शबरी पर कृपा करते हुए राम जी बाली को मारते हुए आगे बढ़े और इसके बाद हनुमान जी लंका गए, विभीषण को सुग्रीव को राजा बनाया और हनुमान जी लंका गए, सीता माँ का पता लगाकर आए।